नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग गेम में स्वागत है। एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ नर्सिंग गेम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं, परमानेंट भर्ती से संबंधित है कि क्या कोर्ट का फैसला रहा है और डीवी लिस्ट है वो कब तक जारी होएगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम देंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है 7/8/2023 की, स्क्रीनिंग और सत्यापन के लिए 75 अधिकारी लगाए गए हैं, अब तक एक भी कैडर की सूची जारी नहीं है। तो दोस्तों, 75 अधिकारियों को स्क्रीनिंग और सत्यापन के डीवी के लिए लगाया गया है, लेकिन अभी तक किसी की डीवी लिस्ट तैयार नहीं हुई है। संस्थान को 8 अलग अलग कैडर की करीब 21,000 पदों पर मेरिट बेसिस पर भर्तियां करनी है। तो दोस्तों, 21,000 पदों पर मेरिट बेसिस पे भर्ती होने वाली है राजस्थान में, लेकिन अभी तक किसी की डीवी लिस्ट और सत्यापन स्क्रीनिंग का कोई भी कार्य नहीं हुआ है और पीछे अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं डीवी लिस्ट के लिए, लेकिन 21,000 पदों पर जो मेरिट बेसिस पे भर्ती होने वाली है अभी तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है कि कब भर्ती पूरी होगी। जिम्मेवार कौन? ये है जिम्मेदार दोस्तों, डॉक्टर विमल कुमार शर्मा व आर खंडाल का कहना है कि सीपू को भर्तियों के लिए सूची जारी कर दस्तावेज सत्यापन करवाना, प्रोविजनल मेरिट सूची जारी, आपत्ति मांगना, अंतिम चयन सूची जारी करना जैसे काम की जिम्मेवारी है, लेकिन आचार संहिता के पहले होने पर अंदेशा है। ऐसे में 24 घंटे 7 दिन अधिकारियों व स्टाफ को काम में लगाकर सूची जारी कर बेरोजगारों को खुशी देना है। इससे न केवल राज्य सरकार का बल्कि अधिकारियों का भी वादा पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आचार संहिता से पहले पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि डीवी लिस्ट है वो जारी कर दी जाए, अंतिम सूची जारी कर दी जाए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आचार संहिता से पहले ये कार्य हो पाएगा। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर व अन्य कैडर की भर्तियों की सूची जारी करने के लिए अतिरिक्त अधिकारी को लगाया गया है, दिन रात अभी सभी काम में जुटे हैं, जल्द सूची जारी हो सकती है। सुरेश नवल, निदेशक है राजपत्रित चिकित्सा विभाग। तो चिकित्सा विभाग जी जो सुरेश नवल है, उन्होंने आदेश दिया है कि फार्मास नर्सिंग ऑफिसर और अन्य कैडर की जो भर्ती होने वाली है उनकी सूची है वो जल्दी तैयार की जाएगी और जल्दी सूची जारी की जाएगी। सीपू आयुर्वेद विश्वविद्यालय से सीख ले दोस्तों, आयुर्वेद विश्वविद्यालय उनको सीपू को उनकी तरह काम करना चाहिए, उनकी तरह समझना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय कैसे कार्य करता है। तो जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपाली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति जारी होने के मात्र 27 दिन में दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी की है। इसी तरह से यूनियन चिकित्सा व अधिकारियों की दस्तावेज सूची सत्यापन की सूची 22 दिन में जारी कर दी है, आवेदन भरने से लेकर त्रुटि संशोधन से काम शामिल है। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने कितने फास्ट तरीके से काम किया है, तो सीपू को इनसे सीख लेनी चाहिए और इनका जो फॉलो करने का काम है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने जो आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर की पोस्ट निकाली थी, चिकित्सा अधिकारियों की, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। और दोस्तों, 7 अगस्त को डीवी होना है यूनानी चिकित्सा अधिकारियों का, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। दोस्तों, जो यूनानी चिकित्सा अधिकारी हैं वो वीडियो जाकर देख लें, उस पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कब आपकी डीवी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। तो शिपू को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सीख लेनी चाहिए। और चिकित्सा विभाग की ओर से 8 कैडर भर्तियों की जिम्मेवारी वाले राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्था कुंभकर्णी नींद में सोया है। तो दोस्तों, कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है विभाग,
सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूची का इंतजार करते करते आंखें पथरा गई है। शिफ्ट अधिकारियों की लेट लतीफी व लापरवाही के चलते अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी लगने का सपना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, परमानेंट भर्ती के लिए काफ़ी स्टूडेंट है वो सपना देख रहे हैं कि कब उनका सपना परमानेंट पूरी होगा या नहीं। शिफ्ट की ओर से 8 अलग अलग भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हुए हैं। 2 से 2.5 माह हो गए लेकिन इसी किसी कैडर की दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने 4 जुलाई को आदेश जारी कर फार्मास नर्सिंग ऑफिसर, NM, लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की स्क्रीनिंग व सत्यापन के लिए 75 अधिकारियों की टीम लगाई थी। इनमें चिकित्सा अधिकारी, सहायक प्रशासनिक व सांख्य अधिकारी, सूचना सहायक शामिल है। लेकिन आज दिनांक तक दस्तावेज सूची जारी नहीं करने पर अधिकारियों व स्टाफ की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो दोस्तों, अभी तक 75 अधिकारियों की टीम बनी है लेकिन अभी तक DV लिस्ट और सत्यापन जैसी कोई प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और लगभग 21,000 पदों पर मेरिट बेसिस पर भर्ती होने वाली है राजस्थान में, लेकिन अभी तक किसी की चयन सूची तैयारी नहीं हो पाई है। तो इससे जो अधिकारी और स्टाफ पर उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि इतनी लेट क्यों हो रही है। तो दोस्तों, भर्ती कब पूरी होगी कुछ कह नहीं सकते। जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के द्वारा आपको सूचित कर देंगे दोस्तों। तो ये दैनिक भास्कर जयपुर में न्यूज़ आई थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी जो पेपर में आई थी। तो दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग MM सतत पर है। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यूट्यूब बेसिस भर्ती आ रही है या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है न्यूज़पेपर से संबंधित तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं सबसे पहले। तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो जाके ज्वाइन कीजिए। और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग MM सतत पर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।